बात जवान नजरा सुनो प्यारी, बात जवान नजरा सुनो प्यारी, अरवा क्या तू बदलावा प्यार पामना का कदर मीठा मीठा गीत सुनावा प्यार पामना का कदर मीठा मीठा गीत सुनावा खेलावा बिचारिया अलख पावड़ा प्रेम गणो बरसावा सरा मुझी राजस्थानी बोली माने माँ गणो लाड लड़ावा सा दाल ढोकला था खाली जो दाल ढोकला था खाली जो खेत मादान पुजावा प्यार पामना का पदारो मीठा मीठा गीत सुनाओ गा लड़िया है वीर पराक्रमी पण पर चमनी लहरावा सा गणो जोश है तलवारा में झंडो के सरियो पैरासम जीनो है तो आन बान सुन जीनो है तो आन बान सुन ई माटी के शीश कटावा प्यार पामना हाथ पधारो मीठा मीठा गीत सुनाओ जोहर ज्वाला में कूद क्षत्रान्या रानी पद्मिनी री आन सुनावा सा याद करो युद्धल थी राखीरो राणा प्रताप रिका था गावा सा चेत करो बलिदान याद करा चेत करो बलिदान याद करा इमा हीरो तिलक लगावा प्यार पामना आत पदारो मीठा मीठा गीत सुनाओ गजबन नाचे गंगोरिया में चंग ढोल थाप बजावा सा मिलके हंगला फाग खेला अरु हर क्यों हार मनावा सा दीवो जलावा दिवाली रे दन दीवो जलावा दिवाली रे दन एक दूजा ने गले लगावा प्यार पामना आप पधारो मीठा मीठा गीत सुनाओ खेत पे चालो मारे लार थे हरिया भरिया खेत दिखावा सा गाज मूली थे खाली जो कुआरो ठंडो पानी पिलावा सा परदेश पावना मर देश आओ परदेश पावना मर देश आओ खाने मन वा कर कर बुलावा प्यार पामना आप पधारो मीठा मीठा गीत सुनाओ प्यार पामना आप पधारो मीठा गीत सुनावा मधुर मीठा गीत की प्रस्तुति रे बाद मु आदरणीय शैलेंद्र बात करे वे सगला दीवारी पानी री आग री सुख री शांति री बात करे वे सगला जीवारी पानी री आग री सुख री शांति री सोचे दुनिया ने कीकर फूटरी बनावा सोचे दुनिया ने कीकर फूटरी बनावा कीकर आत्मबल मान थारो जगावा पर मैं देखूं वो मिनक तो दिन दिन पापी बनतो जावे पर मैं देखूं और मिनक तो दिन दिन पापी बनतो जावे है और इन्हें ए कीकर लाग लड़ावे है और इन्हें ए कितर लाग लड़ावे है हाल भी आस राखे है कि ओ बदलेला हाल भी आस राखे है कि ओ बदलेला स्वार्थ सु ऊपर उठ सबरो हेतालु बन जावेला स्वार्थ सु ऊपर उठ सबरो हेतालु बन जावेला धन है यानी माटी धन है यानी मोटी सोच धन है यानी प्रेम और धन है यानी स्नेह धन है यानी स्नेह ये पेड़ के बारे में बोला मेवाड़ धारा तीन अध्याय प्रताप पद्मिनी और पन्नाधाय बहुत साधारण सी बात आप सब रे हमें राखू आजकल रिवाज है अपने घर में टाबर है टाबरा रे लारे जो चाल रो है आज के जीवन में
बसवाणी वात ने लेने ने रचना लिखी है के क्यों कर खोवे अखियां थारी, क्यों कर खोवे अखियां थारी, रात रात जागे ने धने बर्बाद हुए। क्यों कर खोवे अखियां थारी, रात रात जागे ने धने बर्बाद हुए। अरे क्यों उल्लूरी जात में अपनो नाम लिखावे, अरे क्यों उल्लूरी जात में अपनो नाम लिखावे। भारत भाया थारे कई व्योमन कई देवे नी, भाया थारे कई व्योमन कई देवे नी, मन रिवाज कई देवाओं पेट में अजीरण नहीं बेवे, मन रिवाज कई देवाओं पेट में अजीरण नहीं बेवे। हमजना मनत में कई तो तने हऊ सलाह दे, हमजना मनत में कई तो तने हऊ सलाह दे। माँ बाप को ज्यादा थारी बात और कई हमजेगा भी नहीं, दूजा ने कई तो और लागती वादी में दो लाकड़ी मिल दी, दूजा ने कई तो और लागती वादी में दो लाकड़ी मिल दी। क्यों खोए अखिया थारी, रात रात जगे न दने दने हुए। कई दे मने क्यों उल्लूरी जात में अपना नाम लिखावे। माओ हगो तो कोई नहीं बेवे, माओ हगो तो कोई नहीं बेवे, बाप हो तो भलो बोचवत भलो भी कोई नहीं बेवे। माँ बाप हगो तो कोई नहीं बेवे, ने बाप हो तो भलो बोचवा वालों भी कोई नहीं बेवे। जो वे वाक मन में तो के माँ ने नी तो के बाप ने, माँ वे जगदम्बा माथे आई भला ने टाल देवे, माँ वे जगदम्बा माथे आई भला ने डाल देवे। रोनो आवे तो रो बाप रे आगे, बाप री ताकत रे अच्छा अच्छा भूत फलित भागे। रोनो आवे तो रो बाप रे आगे, बाप री ताकत रे आगे अच्छा अच्छा भूत फलित भागे। तू गंडे चारे लागियो के नहीं, तू गंडे चारे लागियो के नहीं, एकलो बैठो रे जो थने कई रोग लागियो मने के नहीं। एकलो बैठो रे लो ठीबरो हाथ में लेने जो थने कई रोग लागियो मने के नहीं। मोबाइल थारे जीवरो जंजाल हो गयो कई, मोबाइल थारे जीवरो जंजाल हो गयो कई, के थारे यारी दोस्ती में पड़गी खलल। मोबाइल थारे जीवरो जंजाल हो गयो के थारे यारी दोस्ती में पड़गी खलल। के कणी छोरी दई दीदी हाउ चालती जिंदगी में दखल, के कणी छोरी दई दीदी थारे हाउ चालती जिंदगी में दखल। तू भन्नो हमजनो भूली गयो, तू भन्नो हमजनो भूली गयो, दिनो दिन सुखियो जईरो तू मन के तो से थारे वियो गई, तो मन के तो सही थारे भी हो गई। बेट मारा आके क्यों मने देख देख ने अटी बटी भागे, थने देख थारी वगड़ती हालत देख माँ बाप रो काई जो मुंडा आगे आई लो, थने देख थारी वगड़ती हालत देख माँ बाप रो मुंडो काल जा आगे आई लो। के नहीं क्यों कर खोवे अखियां थारी, के नहीं क्यों कर खोवे अखियां थारी, रात रात जगे न मोड़ा होती हुए, सूरज आई जाए माथा पे रजटे तक थारी बर्बाद नहीं वे। जवान खून है अगलो बंदे कविता को, जवान खून है थोड़ी घनी लाख जवानी पे राख, जवान खून है थोड़ी घनी लाख जवानी पे राख। विवे कई बात तो जीवन नहीं कोणो, है तार बेट ने नहीं रोणो, आगे बढ़नो ने बीती बात माथे देनी लाख, आगे बढ़नो ने बीती बात माथे देनी लाख। रोवाऊ जिंदगी खोवाऊ जिंदगी मिले कोई नहीं, रोवाऊ जिंदगी ने खोवाऊ जिंदगी मिले कोनी, हंसी हंसी ने राजी खुशी ऊंची जिंदगी, वात वात पे सूरत कर मत रोनी। हंसता हंसता जीवन रा दिन गुजार, हंसता हंसता जीवन रा दिन गुजार, माँ बाप थने जन्म दियो है वणारो रखमान, वणारे सामने वणारे मुंडा आगे जीवन यू मत हार, वणारे आगे वणारे मुंडा आगे जीवन यू मत हार। जो मरवारो आवे कदी विचार, जो मरवारो आवे कदी विचार, तो यो कर तू पेलो काम, माँ बाप थारे वाते कतरो की दो, माँ बाप थारे वाते कतरो की दो, तू वणी रो आदो कर जो तो उतार, तू वणी रो आदो कर जो तो उतार। कम पड़ जाई कम पड़ जाई बेटा, थारो यो जीवन तने लेना पड़े, माँ बाप रो कर्जो उतारवा वास्ते जन्म हजार जन्म हजार जन्म हजार। धन्यवाद, आभार। पालने नावती ने तने दीदी सीख रे, बड़ा रो तू आदर कर से भूले माती रीत रे। चंदा जेरी चांदनी सो, चंदा जेरी चांदनी सो करे जे उजास रे। घर आ जा बेटा थारी मायड़ जो वे वाट रे, सुनी सुनी आख्या माँ की मनस्थिति क्या होती है। दिवाली रा दिया माए सूरत थारी देखे, होली रा रंग
नेवा जोवे है। दिवाली रा दीवा माए सूरत थारी देखे, होली रा रंगा मेला ला लाड़ी नेवा जोवे। बहनारी रा खड़ली सोनी, बहनारी रा खड़ली सोनी, बांधे कौन हाथ रे। करे आजा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। सुनी सुनी आख्या मां। और कैसे बचपन याद आता है बच्चे का। आशीर्वाद चाहूंगी। बागा माए फूलड़ा सो तितली पकड़े तो, बहना सू छोटी मोटी वाता पे झगड़े तो। मायड़ रातू पल्लू माए आन तुपक तो, बापू सारी पावड़िया में पगल्या तू धरे तो। बच्चे अक्सर करते हैं ना अपने से बड़े पिता माता की माँ उनमें पहन के चलते हैं। मायड़ रातू पल्लू माए आन तुबक तो, बापू सारी पग पावड़िया में पगल्या तू धरे तो। सारू पूछे सुनो सुनो, सारू पूछे सुनो सुनो, नहीं कोई बात रे। घरे आ जा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। घरे आ जा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। अंतिम है मनड़ा माहूक उठे बेटा बेटा बोले। माँ की मनस्थिति बच्चे को याद करके। मनड़ा माहूक उठे बेटा बेटा बोले है, फोटू आने पानी पावे आलरियो भूल रावे। फोटू आने पानी पावे आलरियो भूल रावे। पले कारो पानी मुक्यो, पले कारो पानी मुक्यो, नींद छोड़ियो साथ रे। घर आ जा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। घर आ जा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। सुनी सुनी आख्या मारे नहीं कोई आसरे। घर आ जा बेटा थारी मायड़ जोवे वाट रे। चोखो भाव आप मायड़ प्रस्तुत करियो, बहुत बहुत बधाई आपने। अब थोड़ी देर में गाँव महीने फिर भी बाल विवाह वैया है। चुपके चुपके लोग बाल विवाह करे, बच्चा की शादी करे देवे। तो एक बेटी अपना माँ बाप माता पिताओं को अरदास करे, एक छोटी सी बच्ची वो ही जानी गीत में वे भाव है आप सबके सामने में। वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में। वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में। मारा घुंघरू री झणकार बाजने दो इने आंगन में। जानो है सासरिये एक दिन झाड़ू मारी माए। जानो है सासरिये एक दिन झाड़ू मारी माए। मारा सपना रो सिनेगार सजने दो इने आंगन में। मारा सपना रो सिनेगार सजने दो इने आंगन में। माने बेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में। थानो मानू
बने उड़ जाऊली थाणो माणो साथ है थोड़ो पंछी बने उड़ जाऊली। हमारे विशिष्ट अतिथि पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। वेगी मत परिणाओ मारी माँ खिलने दो इने आंगन में ठाणो माणो साथ है थोड़ो पंछी बने उड़ जाऊली मारा बाल पढ़ारा अरे मान पुराने करो इने आंगन में मारा बाल पढ़ारा अरे मान पुराने करो इने आंगन में वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में लाड़े लड़ायो गोद खिलायो अब क्यों करो मातूर लाड़े लड़ायो गोद खिलायो अब क्यों करो मातूर मारा बाबो सारो लाड़ पावने दो इने आंगन में मने बापो सारो लाड पावने दो इने आंगन में वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में सासरियारा नाम सुमारी आख्या भरे भरे आवे सासरियारा नाम सुमारी आख्या भरे भरे आवे मारा ढुलिया रो संसार खेलने दो इने आंगन में वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में। और देखो छोटी सी गुड़िया अपने मम्मी पापा ने कही कहे जाऊली जद जाऊली जद याद करोला मारी सगली बात जाऊली जद याद करोला मारी सगली बात मारी बात थोड़ी किलकार गुंजने दो इने आंगन में मारी बात थोड़ी किलकार गुंजने दो इने आंगन में वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में मारा घुंगरूरी झनकार बजने दो इने आंगन में। और गीत री अंतिम पंक्तियाँ उम्र अठारह री हो बेला झद कर जो मारो उम्र अठारह री हो बेला जद कर जो पीरा उम्र अठारह री हो बेला जद कर जो पीरा युगुद नीरी अरदास रेवण दो इने आंगन में युगुद नीरी अरदास रेवण दो इने आंगन में वेगी मत परिणाओ मारी माँ खेलने दो इने आंगन में मारा घुंगरूरी झनकार बजने दो इने आंगन में। बार-बार ने रोका वास्ते गुरु चोखो गीत गायो अब मैं माने क्योंकि मुख्य अतिथि पधार गया है तो आदरणीय विजय मारू जी ने मैं वडारा स्वागत उद्बोधन वास्ते अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान गीतेश श्री मालवे जी पधार चुके हैं और उन्होंने आसन भी ग्रहण किया है। आप जिला रसद अधिकारी हैं और आस्था प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके तिलक पढ़ना और स्वागत की रस्म में संस्था की जो अध्यक्षा हैं आदरणीय किरण बालाजी मैडम और इनके साथ में मैडम निर्मल कर मैडम और पुष्कर गुप्तेश्वर जी से आपसे भी निवेदन करूँगा।
अतः सातेर साहब आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब मंच पर पधारे और हमारे कार्यक्रम के आज की जो मुख्य अतिथि है श्रीमान विजय श्री मालवेदी का आप तिलक को प्रणाम और पगड़ी द्वारा बहुमान करें। धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसीर कबीरा है केनी करताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसीर कबीरा है केनी वे नामदेव अरसेन भगत बाटी घर जीरा है केनी वे नामदेव अरसेन भगत भाटी हर जीरा है केनी बचनारा बांध्या आण मरे तेजा जी वीरा है केनी बचनारा बांध्या आण मरे तेजा जी वीरा है केनी खड़ताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसीर कबीरा है केनी डिग्री धारी है अठे गणा पण प्रेम भणी राहे केनी डिग्री धारी है अठे गणा पण प्रेम बनी राहे केनी रीता सरवर पोला मंगरा मोती हर हीरा है केनी रीता सरवर पोला मंगरा मोती हर हीरा है केनी करताल मजीरा है केनी भक्ति रत मीरा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसीर कबीरा है केनी मन देख कैकटस फूले पण हल्दी ने जीरा है केनी मन देख कैकटस फूले पण हल्दी अर जीरा है केनी दन पे दन घटता जाई रे दन दन पे दन घटता ही दन दे दन पे दन घटता घटता ही स्कूल हिंदी रा है केनी दन पे दन घटता घटता ही स्कूल हिंदी रा है केनी ताल मजीरा है केनी भक्ति रतनी रा है केनी धन्ना पुरखा सबरी कर्मा नरसिंह कबीरा है केनी माँ समझावा कनी कनी गाइडलाइन ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ गुप्तेश्वर गुरु सिख माँ समझावा कनी कनी ने अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने माँ समझावा कनी कनी ने माँ समझावा कनी कनी ने विजाने हूँ स्यारु वेई गया विजाने हूँ स्यारु वेई गया कुका चाले तड़ी तड़ी ने कुका चाले तड़ी तड़ी ने माँ समझावा कनी कनी ने अड़ीवड़ी ने जनी जनी ने माँ समझावा कनी कनी ने लिख लिख अर लोखण वे गया लिख लिख अर लोखण वे गया भाटा बन गया बनी बनी ने लिख लिख अर लोखण वे गया लिख लिख अर लोखण वे गया भाटा बन गया बनी बनी ने माँ समझावा कनी कनी ने अड़ी बड़ी ने जनी जनी ने माँ समझावा कनी कनी ने और जब राऊ जो रावर बोल्यो
जब राऊ जो रावर बोलियो दरबाया थे कणी कणी ने दरबाया थे कणी कणी ने मा समझाओ कणी कणी ने अणी बणी ने जणी जणी ने मा समझाओ कणी कणी ने और मतदाता वा मत दी धाते समसामी बन आवन पड़ा है कि मतदाता वा मत दी धाके मतदाता वा मत दी धाके नेतावा ने चनी चनी ने नेतावा ने चनी चनी ने मा समझावा कणी कणी ने अणी बणी ने जणी जणी ने मा समझावा कणी कणी ने मा समझावा कणी कणी ने पंचा में परमेश्वर वे तो जाय बुलाओ रणी धणी ने जाय बुलाओ रणी धणी ने मा समझावा कणी कणी ने मा समझावा कणी कणी और जो इमे नी एक बंद कि छम छम करती चमक छल्लो ये भी एक छम छम करती चमक छल्लो कथे जायरी बनी ठणी ने कथे जायरी बनी ठणी ने मां समझावा कणी कणी कविता अच्छी भी नहीं रहती आने वाले समय से मां समझावा कणी कणी ने मां समझावा कणी कणी बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द जो जहन में उतरे एक भाटा दूसरा लोखंड लोहा तो पाषाण काल में आग का आविष्कार एक सहयोगी था जो मनुष्य ने किया संकर सचिव के रूप में श्री बिलाल पठान साहब आपसे निवेदन है आप बता रहे हैं और संगठन सचिव के रूप में डॉक्टर शीतल श्रीमाली मैडम आपसे भी निवेदन है आप पधारें प्रचार और प्रसार सचिव के रूप में श्री लोकेश जी चौबेसा साहब आपसे निवेदन है आप पधारें अब मैं युद्धारा की एक कार्यकारिणी समिति भी होती है इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त मैं उनके नाम यहां से प्रेम सम्मान और आदर के साथ लेना चाहूंगा आप नाम के साथ पधारें श्री श्रीमान अरुण जी त्रिपाठी साहब आपसे निवेदन है आप पधारें अब जो मैं नाम बता रहा हूँ वो कार्यकारिणी समिति के श्रीमान अरुण जी त्रिपाठी साहब श्रीमान ब्रजराज जगावत साहब आपसे निवेदन है आप भी बताएं शकुंतला सोनी मैडम आपसे निवेदन है आप बताएं सुनीता निमेश जी आपसे भी निवेदन है आप बताएं मंच के जहां डायस के दाहिनी और फिर मंच पे यहां जगह आपसे निवेदन है बताएं श्री मंगल कुमार जी जैन साहब श्री मंगल कुमार जी जैन साहब डॉक्टर प्रियंका भट्ट मैडम आपसे निवेदन है आप बधाएं और इसके बाद में मैं रजनी शर्मा मैडम आपसे निवेदन है आप बधाएं ये पूरी नवीन कार्यकारिणी युद्धारा 2024 की आप इसके साक्षी हैं मैं एक बार फिर जाऊंगा एक बार जोरदार युद्धारा साहित्यिक सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच के पद पर रहते हुए संस्था के प्रति प्रतिबद्धता रखूंगी रखूंगा एवं साहित्य के क्षेत्र में सदैव सकारात्मक रूप से स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए संस्था एवं साहित्य के हित में सृजन करूंगा जय भारतवर्ष संपूर्ण अधिकारिणी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और अब आप अपना उचित आसन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष
सादर आमंत्रित करता हूँ। जाडोल तहसील आपने नाम सुना होगा, जाडोल में बापरा नाम है, वही का रहने वाला हूँ मैं। तो उदयपुर शहर मेरा ज्यादा पहचाना है और आप सभी लोगों के नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने जरूर थे, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला और वो मौका आपने किरण जी ने उनकी टीम ने मुझे दिया, इसलिए आपका बहुत आभार धन्यवाद। और रही बात साहित्य की, तो आप सब लोग वो है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे नियम गेम कह सकते हैं, कई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता कई बार, लेकिन फिर भी आप लोग निस्वार्थ भाव से साहित्य के लोग जलाए रखते हैं। और चूंकि साहित्य समाज का आईना होता है, तो जो आप लिखते हैं समाज में जो गठित हो रहा है और गठित होने वाला है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो जो वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है, उन्होंने दोनों ही चीज़ अच्छी की है कि ये हुआ है कि जो चीज़ें सामने नहीं आ पाती है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मंच मिलता है उसके माध्यम से भी कई लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो आप सब लोग इस साहित्य सृजन में लगे रहे हैं, बहुत अच्छी कविता भी सुनी मैंने यहाँ पर, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि एक चूँकि फ्रेश हवा का झोंका जैसी कविता होती है जिसे मन बड़ा शुद्ध भी हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मेरे लायक कभी भी कोई उपधारा से संबंधित जो भी सेवा का काम हो या कोई प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपके बीच में मैं आऊँगा और जुड़े रहेंगे इससे, इस मंच से, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई है, काफ़ी समय हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। पुनः आप सबने मुझे यह सम्मान दिया, बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। रचना, आप जानते हैं कि प्रशासनिक सेवा में लिखना और सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, समय को निकालना, तो अगली बार जब भी मिलेंगे तो थोड़ी उसके हिसाब से आऊँगा, क्योंकि मैंने मोबाइल को चेंज किया था, सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई और पिछले एक साल से मैंने कुछ लिखा नहीं है। ऐसे पोस्ट पे था मैं, वहाँ सीओ जिला परिषद डूंगरपुर था, तो समय वहाँ बिल्कुल मिलता नहीं था, थोड़ा ब्लैंक से हो गए, तो अब यहाँ पर आ गया हूँ तो आप लोगों के परिचय से हो सकता है कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो अगली बार जरूर कुछ ना कुछ सुनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार प्रोग्राम में है और सुंदरता और प्रेम वाला जी जानती है और सब जो है एक ऐसा कैफे बनाएंगे आपको मिलेंगे और अच्छे से भोज के साथ मिलेंगे। अरे जाओ ना, जरूर होना। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि ने बात का उत्तर कर रहा हूँ चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा। तो बाबा साहब जयंती गड़गोर दो तीन कार्यक्रम एक लड़े या तो वो छूट गया।